हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे व्यापम की जेल प्रेरी, एमपी पुलिस और एमपीएसआई की एग्जाम के लिए साइंस के क्वेश्चंस का पार्ट नंबर सेकंड देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने सामान्य विज्ञान का पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उसे भी देख लीजिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों, आप हमें अनएकेडमी पर भी फॉलो करिए। दोस्तों, आप हमें अनएकेडमी पर अनएकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पर आप हमें सचिन सिलावट नाम से सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो, जहां पर दोस्तों मैंने व्यापम के लिए एमपी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कशन किया है, हिंदी के क्वेश्चन को डिस्कशन किया है और रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कशन किया है, जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप वहां से जाकर उन सारे को देख सकते हो और आप दोस्तों में अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, क्योंकि एमपी पुलिस की रीजनिंग, एमपीएसआई की रीजनिंग के वीडियो भी मैं अनअकैडमी पर ही अपलोड करूंगा। दोस्तों, आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो करके रखिए, जिससे क्या होगा, मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ग्लूकोज इथाइल एल्कोहल में ऑक्सीकृत होता है। दोस्तों, पूछा क्या है कि जो ग्लूकोज है वो इथाइल एल्कोहल में ऑक्सीकृत होता है। तो दोस्तों, ये किस में होता है, किण्वन में होता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से क्या होगा दोस्तों, थर्ड वाला सही हो जाएगा, कि जो ग्लूकोज इथाइल है वो किण्वन में एल्कोहल में ऑक्सीकृत होता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या किण्वन है हमारे सामने की वह प्रक्रम धारा जिसके द्वारा एक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है। मतलब क्वेश्चन बोला है कि वह प्रक्रम धारा जिसके द्वारा एक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, जब इससे होकर विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो उसको आप क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसको कहेंगे विद्युत अपघटन कहा जाता है। जब क्या होता है कि प्रक्रम में धारा जिसके द्वारा एक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है, जब इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, विद्युत अपघटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि जो लाइकेन है वो क्या प्रदर्शित करता है। मतलब दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है कि लाइकेन प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, लाइकेन जो है सेवाल तथा कवक में सहजीविता प्रदर्शित करता है। दोस्तों, परजीविता नहीं। दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि जो लाइकेन जो होता है वो प्रदर्शित करता है सेवाल तथा कवक में सहजीविता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या बोला है कि यदि एक दिया गया बल एक छोटे संपर्क क्षेत्रफल पर लगाया जाए तो इसके द्वारा लगाया बल क्या होगा। दोस्तों, ऑप्शंस में इनमें से कोई नहीं, बढ़ेगा, परिवर्तित नहीं होता है या कम होगा। तो दोस्तों, यदि एक दिया गया बल एक छोटे संपर्क क्षेत्रफल पर लगाया जाए तो इसके द्वारा लगाया बल क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि एक प्रकाशित माध्यम से दूसरे प्रकाशी माध्यम में गुजरने पर प्रकाश के पथ में परिवर्तन की परिघटना क्या कहलाती है। मतलब दोस्तों, आपसे पूछा है कि जो एक प्रकाशित माध्यम से दूसरे प्रकाशी माध्यम में गुजरने पर प्रकाश के पथ में परिवर्तन की जो परिघटना है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों, ये कहलाती है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मतलब ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बोला है कि प्रोटीन संश्लेषण स्थल है। मतलब प्रोटीन जो है वो संश्लेषण स्थल है। तो दोस्तों, किसमें है, राइबोसोम में। तो ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कि प्रोटीन जो है संश्लेषण स्थल है, तो ये राइबोसोम सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से ये कि ध्वनि की जो प्रबलता है वो किस पर निर्भर करती है या किस पर निर्भर है। तो ध्वनि की जो प्रबलता निर्भर करती है, ये दोस्तों आपसे पूछा कि, तो दोस्तों ध्वनि की जो प्रबलता है वो आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि गुणसूत्र का कौन सा सब संयुग्मन जो है बच्चे के लिंग निर्धारण में सक्षम है। मतलब दोस्तों, पूछा गया है कि जो गुणसूत्र का कौन सा संयुग्मन जो है बच्चे के लिंग निर्धारण में सक्षम है। तो दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। मतलब आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ से भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोला है कि गतिशील सतहों के ल्यूब्रिकेशन से क्या होता है। मतलब तो दोस्तों, ऑप्शंस यहाँ पर है, घर्षण बढ़ता है, घर्षण हटता है, घर्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या घर्षण कम होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर गतिशील सतहों के जो ल्यूब्रिकेशन से क्या होता है कि घर्षण कम होता है। मतलब ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जल का उच्च क्वथनांक निम्न के कारण से होता है। दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि जो जल का जो उच्च क्वथनांक है वो किसके कारण से होता है। दोस्तों, तो यहाँ पर जो है दोस्तों, हाइड्रोजन बंधन के कारण क्या होता है दोस्तों, जल का क्वथनांक उच्च होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा, थर्ड वाला राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि वातावरण में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा O2 मतलब ऑक्सीजन संतुलित होता है, तो दोस्तों किसके द्वारा संतुलित होता है? प्रकाश संश्लेषण के कारण क्या होता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन होता है, तो किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, मतलब जो कार्बन परमाणु में है उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन परमाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है कि कोशिक जो है वो नियंत्रक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है जो है कि कंट्रोलर ऑफ सेल इज, तो यहाँ पर क्या है इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केंद्रक होता है, जो कोशिक जो है वो नियंत्रक होता है वो क्या होता है? केंद्रक, मतलब ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि एक एक वर्णीय प्रकाश पुंज एक सघन से विरल माध्यम में गुजरता है, तो परिणाम क्या होगा इसका, मतलब एक जो एक वर्णीय प्रकाश पुंज क्या एक सघन से विरल माध्यम में गुजरता है तो परिणाम स्वरूप क्या होता है? तो दोस्तों इसका वेग जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जब क्या होता है कि सघन से विरल माध्यम में गुजरता है प्रकाश पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, मतलब दोस्तों आपसे पूछा है कि 4 ऑप्शंस गिवन है और पूछा है कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो दोस्तों स्टार्च क्या है? प्राकृतिक बहुलक है, और दोस्तों ये ग्लिप्टल जो है ये क्या है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है, जबकि ग्लाइकोजन भी प्राकृतिक बहुलक है और सेलुलोज भी क्या है? प्राकृतिक बहुलक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ग्लिप्टल जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ये क्या है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि एक विद्युत परिपथ के कार्य करने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है, मतलब एक विद्युत परिपथ के कार्य करने के लिए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? एक विद्युत धारा जो है सर्वाधिक आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या बोला है कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, मतलब दोस्तों जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा है वो पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंचती है, ये बताना है आपको, तो दोस्तों ये विकिरण के द्वारा पहुंचती है, रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है, मतलब ऑप्शन सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में प्रकाश का अवशोषण होता है, मतलब दोस्तों आपसे पूछा है कि जो प्रकाश का जो अवशोषण है वो किस में होता है, तो दोस्तों प्रकाश का जो अवशोषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण में होता है, मतलब आपका ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा यहाँ से? राइट होगा। तो दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, इससे क्या होगा मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करिए, क्योंकि वहां पर मैं व्यापम के हिंदी रीजनिंग और करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसके लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखे, तो आप वहां से जाकर उन्हें देख सकते हो। थैंक यू।